जब कभी भी हम सिलाई करने बैठते हैं और कोई भी मशीन इस तरीके की जो आवाज़ करे, तो आपको सिर्फ एक ही सेटिंग करना है कि हमें अपना ये जो आवाज़ आ रही है, हम सिलाई करने बैठते हैं और इस तरीके से इस तरीके की जब आवाज़ आती है, तो सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो किसी को शायद पता न हो, तो मैं बता दूं कि हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हम जो मशीन के लिए जो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं उसी से बस हमें इसके स्क्रू निकालने हैं और इसको इस तरीके से साइड में कर लेना है। और ये जो हमारा चलता है, ये जो हमारा थ्रेड है, वो हम इसमें से निकाल देंगे। और अब ये जो हमारा ये वाला जो हमारा पार्ट है, उसको हमें क्या करना है, वो जहाँ पर नीचे टच करता है वहाँ पर इस तरीके से हमें स्क्रू ड्राइवर रखना है। और इसको ये इजीली नहीं घूमेगा हमारा व्हील, तो हमें थोड़ा इसको जोर दे के भी एक बार घुमा लेना है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम चला कर देखेंगे तो वो जो हमारा टक टक वाला जो आवाज़ था वो अभी ठीक हो गया होगा। तो मैं आपको करके दिखा दूँ। ये प्रॉब्लम बेसिकली तब आती है जब सडनली हमारा सुई टूटता है, सुई टूटने पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से आप रिपेयर अपने मशीन को कर सकते हैं। तो मैं अब आपको मशीन चलाकर दिखा दूं कि हमारा जो मशीन है वो ठीक हो गया होगा। इस तरीके से जो इसकी जो टक टक वाली जो आवाज़ थी वो निकल चुकी है। बस यही एक प्रॉब्लम रहता है, तभी हमारा मशीन जो है वो उस तरीके की आवाज़ करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।